प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी, सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 से 7 बजे तक विविध भारती पर और रात 8:15 से 9:15 तक मीडियम वेव पर। भारत विकास डायरी में जानिए आपके और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा और सुनिए आप और खास लोगों से बातचीत, साथ में ढेर सारी जानकारी। तो सुनते रहिए भारत विकास डायरी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आज हम बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र जबलपुर और लोकसभा क्षेत्र भिंड की। लोकसभा क्षेत्र जबलपुर के बारे में जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी। आइए सुनते हैं उन्हीं के स्वर में जबलपुर संसदीय क्षेत्र की विकास गाथा। भारत विकास डायरी। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही एक ओर जहां प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने, अपने मातहत अधिकारियों को चुनावी तैयारियां तेजी से करने निर्देश दे दिए हैं, वहीं प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों कांग्रेस भाजपा जैसी पार्टियों में रणनीतियां बनना शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों में से हॉट सीट मानी जाने वाली जबलपुर संसदीय सीट पर पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी काबिज है। भले ही निर्वाचन आयोग ने अभी तक लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पहली फेज का मतदान 100 दिन के भीतर हो सकता है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की जिन सीटों को हॉट सीट माना जाता है उनमें से जबलपुर संसदीय क्षेत्र भी एक प्रमुख सीट है। हम आपको बता दें कि वर्ष 1996 से लेकर आज तक लगातार 27 वर्षों से जबलपुर संसदीय सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार है। यहां हम आपको बता दें कि जबलपुर लोकसभा सीट का इतिहास भी बड़ा रोचक है। दरअसल आजादी के बाद पहले लोकसभा चुनाव में जबलपुर में 2 सीटें थी। साल 1951 में हुए आम चुनाव में जबलपुर उत्तर सीट से कांग्रेस के सुशील कुमार पटेरिया जीते थे, तो मंडला जबलपुर दक्षिण सीट से मंगरू गुरु उइके पहले सांसद बने। इसके बाद 1997 में जबलपुर और मंडला 2 अलग अलग संसदीय क्षेत्र बन गए। इसी साल दूसरी लोकसभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के सेठ गोविंद दास चुनाव जीते। इसके बाद उनकी जीत का सिलसिला चलता रहा। सेठ गोविंद दास ने 1962, सन 1967 और 1971 के चुनाव में भी जीत दर्ज की। साल 1974 में जबलपुर लोकसभा सीट ने वह बदलाव देखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शरद यादव इसी साल छात्र राजनीति से निकलकर देश की मुख्य धारा की राजनीति में आए थे। 4 बार के पूर्व सांसद रहे राकेश सिंह फिलहाल मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीतकर डॉक्टर मोहन यादव सरकार में लोक निर्माण मंत्री बन गए हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव आने पर ही हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव आ गए तो अब वो भगवा रंग में रंगना चाहते हैं। तो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व चुनाव के आधार पर जो हिंदुत्व की राजनीति करना चाहता है जनता उसको बार बार नकारती है। केवल चुनाव का समय आकर जनेऊ धारण करके आप ब्राह्मण बन जाए और बाकी समय पर देश की बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं का आप अनादर करें तो देश उसके लिए आपको कभी माफ नहीं। यहाँ आपको बता दें कि पहले आम चुनाव के बाद से 1974 तक जबलपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा था। साल 1982 में पहली बार जबलपुर में कमल का फूल खिला और बाबूराव परांजपे बीजेपी के पहले सांसद बने। 2 साल बाद ही 1984 में कांग्रेस ने सीट पर फिर से कब्जा कर लिया, जब कर्नल अजय नारायण मुश्रान ने आम चुनाव में बाबूराव परांजपे को पराजित कर दिया। इसके बाद 1989 के चुनाव में यह सीट फिर बीजेपी के खाते में आ गई। साल 1991 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर इस सीट पर कब्जा जमा लिया।
इसके बाद 1996 से जबलपुर लोकसभा सीट भाजपा का गढ़ बन चुकी है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा जैसे धुरंधर भी दो बार यहां से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव हार गए थे, तो वहीं जबलपुर सीट से बीजेपी नेता बाबूराव परांजपे तीन बार, जयश्री बनर्जी एक बार और राकेश सिंह चार बार के अजेय सांसद बने। माना जा रहा है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों ओर से नए प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। प्रत्याशी चयन के लिए दोनों ही पार्टियां अंदरूनी तौर पर सर्वे और राय शुमारी में जुट गई हैं। वहीं जब हमने मध्यम और गरीब तबके की महिलाओं से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं की हकीकत जानने बात की, तो उन्होंने बेबाकी से कहा कि अब हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। कुछ हितग्राहियों ने कहा कि आयुष्मान योजना के कारण ही हमें आसानी से मुफ्त में इलाज मिल पा रहा है। वहीं महिलाओं ने भी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही उज्ज्वला योजना जैसी अनेकों कल्याणकारी योजनाओं के लिए देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। जी अनीता जी, बताएं केंद्र सरकार की आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सही योजना मिल रही है, मोदी जैसे सरकार ने सबको दिया, कच्चे मकान थे पक्के मकान छत दिया, उनमें हमको राशन दिया, जो बोलते हैं वो करके दिखलाते हैं, पूरी योजना तैयार करके। जबलपुर से हम लोग हमें मकान छूट गए थे हम लोग के, उनने हम लोग को घर दिया, मकान दिया, सब कुछ दिया उनने। मोदी जैसे कोई नेता नहीं है, गैस चूल्हा है, हर चीज की सुविधा है, राशन पानी का। मोदी जैसे कोई नेता नहीं है, सबने आए कई गए पर उन जैसे किसी ने सुविधाएं नहीं की, नल के पानी के हर चीज का सुविधाएं दिया उन्होंने। अंजलि बोलपुर से बोल रही हूँ, मेरे को सब योजना मिली है, मतलब नकड़िया फ्री से जाते रहे हैं तो आज से मैं धुआं जाता, चूल्हा मखान बनाते रहे हैं तो आज से मैं धुआं भी जाता था, बीमार भी हो जाते थे, और सब मतलब गैस टंकी मिली है और आवास योजना वाला पैसा मिला है। अब आप कैसा जीवन जी पा रहे हैं, पहले की अपेक्षा अब कैसा जीवन जी रहे हैं? जीवन जी रहे हैं मैम। देश में कैसा नेता चाहती है वैसे आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं सुनीता तिवारी, रहने वाली बीएफजे बड़ी बिलपुरा कॉलोनी। मेरी दो बेटियां हैं, कोचिंग पढ़ाती हैं, वो ही मेरा घर चलाती हैं, और मेरा डायलिसिस 8 साल से हो रहा है। हॉस्पिटल के मित्रों से मुझे आयुष्मान कार्ड के बारे में पता चला, तो मैंने आयुष्मान कार्ड बनवाया, जिससे 4 साल से मेरा निःशुल्क इलाज चल रहा है। इसके लिए मैं भारत सरकार, राज्य सरकार को धन्यवाद करती हूँ। इसी प्रकार वृद्ध जनों ने भी कहा कि आजादी के बाद देश में ऐसा विकास पहली बार देख रहे हैं। जी बताएं। आजादी के बाद मोदी सरकार के आने से भारत में, पूरे विश्व में, चारों ओर बहुत ही अच्छे विकास कार्य हो रहे हैं, और बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी बहुत खुश हैं, और विकास कार्य होते ही जा रहे हैं, विकास की गंगा बहती ही जा रही है, और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य उनके कार्यकाल में होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में जब हमने वर्तमान सांसद और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह से बात की, तो उन्होंने उत्साह पूर्वक कहा कि आगामी चुनाव में एक बार फिर जनता भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएगी और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सशक्त सरकार बनेगी। माननीय मोदी जी का नेतृत्व और मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत। राज्यसभा सदस्य सुमित्रा बाल्मीक ने भी कहा कि जनता को अपना अच्छा बुरा समझ आ गया है, पुनः मोदी जी को देश का नेतृत्व करने जनता अपना बहुमूल्य मत देगी। आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी किन मुद्दों पर और पार्टी को जो कल्याणकारी योजनाएं हैं कितना लाभ मिल पाएगा? और कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये गुड गवर्नेंस माननीय मोदी जी की है। इसमें आप देखेंगे कि हम जब ग्रामीण में गांव चलो अभियान के अंतर्गत गए हैं ना, अभी हम लोगों ने विश्राम किया है रात को परिवारों में जाकर, उनके साथ भोजन किया है, तो जो प्रधानमंत्री जी का आवास है, सबसे पहली तो ये लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम साल भर तैयारी करते थे, बरसात के पहले ठाट बढ़ेरी देखते थे, अब हम लोगों को चिंता खत्म हो गई कि मोदी जी ने हम लोगों को पक्का मकान दे दिया है। एक तो ये योजना बहुत कारगर हुई है, इज्जत घर मिले हैं लोगों को, जहाँ इज्जत घर नहीं थे वहाँ पर मोदी जी ने करोड़ों में इज्जत घर बनवाए हैं, स्कूलों में भी शौचालय बनवाए हैं। यहाँ तक मैं कहूँ कि एक परिवार में
लाडली बहना की योजना एक सास को और दो बहुओं को एक एक घर में प्राप्त हो रही है। तो 1250 है ना, 3600 रुपया एक परिवार में, है ना। तो आप अंदाज लगा सकते हैं, हमने उनसे पूछा कि भाई आपकी जमीन है क्या, तो उन्होंने बताया कि आदमी के नाम पे है हमारी जमीन, तो वो जमीन 2.5 एकड़ हो सकती है, 3 एकड़ हो सकती है, बेटे के नाम से अलग है। तो सरकार दे रही है उस योजना का लाभ, सम्मान निधि दे रही है किसान को, तो 10,000 रुपए तो सीधे सीधे एक परिवार में दो दो लोगों को जा रहे हैं, पिताजी को अलग जमीन पर जा रहे हैं, बेटे को अलग जा रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना बच्चों को मिली है, इससे सरकार के आयुष्मान कार्ड की योजना बिल्कुल धरातल पर आई है, ये कई गरीबों के इलाज हुए हैं। एक बहन बताने लगी कि मेरी बच्चादानी में कैंसर के लक्षण प्राप्त हो गए थे, मुझे निकलवाने में जब मैं अस्पताल गई, आयुष्मान कार्ड लगाया तो मुझे 1 रुपए भी नहीं देना पड़ा। तो इस तरह की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है और पूर्ण बहुमत से हमारे पूरे भारत में बीजेपी सरकार आएगी और मध्य प्रदेश में भी हमारे यहाँ पर पूरी की पूरी सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। मैम एक छोटा सा सवाल कि ये जो अभी पाला बदल राजनीति चल रही है, हाल ही में जबलपुर महापौर अनु सिंह भी अभी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, ऐसा अटकलें लगाई जा रही हैं यहाँ आम जनों के बीच, ऐसा राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है कि क्या अनु सिंह जी को बीजेपी टिकट देगी सांसद की। देखिए कार्यकर्ता आधारित पार्टी है हमारी और संगठन सर्वोपरि है, संगठन के जो भी निर्णय होंगे सर्वमान्य होंगे और कार्यकर्ताओं के ऊपर विचार किया जाता है, पार्टी एक नेता आधारित पार्टी नहीं है, नेता और परिवारवाद में ये सारी चीजें चलती हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल निशान होता है और हम लोग उसके लिए सब मिलकर काम करते हैं। 52 ताल तलैयों अनेकों सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासतों को सहेजे हुए मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं हैं, जिनमें 18,83,411 मतदाता हैं। हाल ही में प्रकाशित हुई फोटोयुक्त मतदाता सूची की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना ने बताया कि यहाँ 9,97,000 पुरुष मतदाता और 9,26,224 महिला मतदाता हैं, वहीं 97 अन्य मतदाता हैं। मतदाता सूची को यदि हम विभाजित करें तो इसमें 18 से 19 आयु वर्ग के 35,744 मतदाता हैं, तो 22,100 पीडब्ल्यूडी मतदाता हैं। इसी प्रकार 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या पर गौर करें तो जिले में इनकी संख्या 18,916 है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस बार जेंडर रेशियो भी 967 से बढ़कर 968 पर पहुंच गया है। गोंडवाना और कलचुरी कालीन इतिहास के साथ अनेकों खूबियों को समेटे और सहेजे जबलपुर को आचार्य विनोबा भावे ने संस्कारधानी की संज्ञा दी थी। ऐसी भी मान्यता है कि जबलपुर को यह नाम जबाली ऋषि से मिला है। इतना ही नहीं, इस शहर को मां नर्मदा का आशीर्वाद मिला है, जो पूरे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। और तो और यहाँ के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट और धुआंधार वाटरफॉल, संगमरमरी वादियों वाली बंदर कुंदनी को देखने के लिए देश दुनिया के पर्यटक खींचे चले आते हैं। इतना ही नहीं, जबलपुर को समय समय पर अनेक विभूतियों ने अपना कर्म क्षेत्र भी बनाया है, जिनमें ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, महर्षि महेश योगी, आचार्य रजनीश, व्यंगकार हरिशंकर परसाई जैसी तमाम विभूतियों का जबलपुर से गहरा नाता रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ के साथ पश्चिम मध्य रेल और राज्य बिजली बोर्ड सेना का मुख्यालय भी जबलपुर में ही है। बहरहाल इतनी खूबियां समेटे और राजनीति का केंद्र बिंदु माने जाने वाले जबलपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाता आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मन बना चुके हैं और वे एक बार फिर देश में सशक्त सरकार लाने तैयार हैं। जबलपुर से आकाशवाणी समाचार के लिए सुरभि तिवारी। भारत विकास डायरी।
कार्यक्रम के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम बताएंगे दो लोकसभा क्षेत्र की विकास गाथा के बारे में। भारत विकास डायरी।